हेलो दोस्तों, तो आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप ऐसी वीडियोस कॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पर और 117 वीडियोस। तो ये देख सकते हैं आप ये कौन सी वीडियोस बनाते हैं और इनकी सबसे पॉपुलर वीडियोस पर जाते हैं। ये देखें, ये इनकी सबसे पॉपुलर वीडियोज़ हैं जो ये बनाते हैं। ये देखें इनकी कितनी पॉपुलर वीडियोज़ हैं और ये बस एक साल पहले ही इन्होंने ये चैनल जनरेट किया है। तो हम जाते हैं सोशल मीडिया पर, देखते हैं ये कितने पैसे कमाते हैं। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लिंक और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये देखिए, ये कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ और ये कितने पर ईयर कमाते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये है, ये कितने पर डे कमाते हैं, यहाँ पर लिखे हुए कितने ये पर डे कमाते हैं डॉलर्स। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये कितने लाइक मंथली व्यूज़ गेन करते हैं और ये कितने सब्सक्राइबर गेन करते हैं मंथली। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल प्लेट पर चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम इंटर करते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं गिव मी चैनल, गिव मी मोटिवेशनल कोर्स चैनल नेम आइडियाज। तो ये सेंड कर देते हैं ये लिख कर। उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि ये उन्होंने कितने बोरिंग से नेम दिए हुए हैं, तो ये इतने अच्छे नहीं लगे मुझे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिव मी मोर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, गिविंग मोर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चैनल मोटिवेशनल कोर्स चैनल नेम आइडियाज। तो ये हमने सर्च कर दिए, देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे से लाइक नेम्स आए हुए हैं, अट्रैक्टिव एंड लाइक अमेजिंग नेम्स आए हुए हैं, यूनिक, ये यूनिक नेम है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा, द लिमिटलेस माइंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, राइट चैनल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन मोटिवेशनल कोर्स चैनल, मोटिवेशनल कोर्स हियर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम लिख देंगे हम द लिमिटलेस माइंड। तो यहाँ पर पेस्ट करके उसके बाद सर्च कर देते हैं इसे और यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे। ये देखें डिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया और ये कितना सही है, यहाँ तक जनरेट, यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइक ये अच्छा नहीं लगता, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये सेंड कर देंगे, हम सर्च कर देंगे, यहाँ पर इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद जैसे ये हो जाए, आपको यहाँ पर कैनवा पर आ जाना है लोगो और बैनर जनरेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोगो की ब्लैंक टेम्पलेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं। कौन सा बैकग्राउंड करें, यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से लाइक बनाऊँगी तो यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, द लिमिटलेस, ये लिख देते हैं द लिमिटलेस माइंड। तो ये लिख देते हैं, उसके यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। यहाँ पर इसको ये इफ़ेक्ट लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं, उसके यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट लगा देते हैं, ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इससे सूट करेगा। ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ब्लैक कर देंगे और ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इसे थोड़ा एडजस्ट करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसे डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर गूगल पर, यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब बैनर साइज, जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए। तो कैनवा पर आ जाते हैं हम यहाँ पर और कस्टम साइज पे यहाँ पर वही साइज ऐड कर देते हैं, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। तो यहाँ पर बैनर की टेम्पलेट जनरेट कर ली है हमने। तो जैसे हमने लोगों के साथ किया वैसे ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसे डिफरेंट डिफरेंट करके, उसके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स लगाएंगे कुछ, द माइंड के इफेक्ट सेम ही होगा और यहाँ पर इसका भी येल्लो ही होगा। तो देखें यहाँ पर ब्लैक टेक्स्ट कर देते हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा देंगे, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये लगा दिया, उसके बाद इसे सही तरह एडजस्ट कर लेंगे और डाउनलोड कर देंगे हम लोग इसे, फिर डाउनलोड कर लेंगे ये देखें। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर, यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट मोटिवेशनल कोर्स, राइट मोटिवेशनल कोर्स स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट लिख के फॉर यूट्यूब तो इसे सेंड कर देते हैं और ये देखें यहाँ पर मोटिवेशनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कोर्स के, पर मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए। ये देखें, ये सारी स्क्रिप्ट ऐसे लिख रही हैं, पर मुझे कोर्स चाहिए, जो मोटिवेशनल कोर्स होते हैं वो चाहिए सिर्फ। तो उसके बाद मैं लिख दूँगी स्क्रिप्ट को छोड़ के, ये जैसे ही सारा, ये देखें इन्होंने ऐसे लिखा है, तो मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, मुझे स्क्रिप्ट वगैरह वैसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिख दूँगी राइट मोटिवेशनल कोर्ट्स, स्क्रिप्ट को हटा दूँगी।
स्क्रिप्ट को और फॉर यूट्यूब भी हटा दूंगी, सिर्फ लिखूंगी राइट मोटिवेशनल कोट्स। तो इन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लिख रही हैं, या आप, मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको वीडियो जनरेट करनी है। तो आप जैसे ही सारे कॉपी कर लिए, जैसे ही सारे जनरेट करेंगे उसके बाद आपको ये कॉपी कर लेने हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इसको कॉपी कर लें नोट पैड में पेस्ट कर देना है। देखिए इसे कॉपी करके हम नोट पैड में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनकी इमेजेस भी जनरेट करनी होगी और कैसे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। जैसे इनके आगे नाम भी लिखा हुआ है कि किस किस के ये कोट्स हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर, दोबारा हम आ जाएंगे, पहले इसे एडजस्ट कर लें। तो जैसे ये इन्हें एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम दोबारा चैट जीपीटी पर न्यू टैब में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट, टू जनरेट ये हमने नाम लिख देना है कॉपी करके, ये कॉपी कर लेना है सेकेंड वाले का, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे वायर थिंग इमेज ऑफ दिस वन। तो ये इन्हें लाइक इतना समझ नहीं आया वायर थिंग का। उसके बाद हम फिर से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, रीजनरेट करेंगे, तो इन्हें वायर थिंग का समझ नहीं आया, तो मैंने इसे वायर थिंग को हटा लिया है। राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस ऑफ दिस, तो ये इन्होंने कुछ इमेज का प्रॉम्प्ट लिखा है, ये देखें ये लिखा हुआ है, तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करने के बाद आपको नोट पैड में पेस्ट कर देना है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको फिर से अगर किसी सेकंड चीज़ की लाइक किसी सेकंड वन की जनरेट करनी, मैं आपको एक और बार जनरेट करके दिखा देती हूँ। आपको ये पेस्ट कर देनी है, उसके बाद सेव एंड जनरेट पर क्लिक करनी है। तो ऐसे जैसे ये है तो आपको फिर से रीजनरेट करना है ताकि आपको सही से प्रॉम्प्ट जनरेट करके मिल जाए। तो अगर ये आपको ये बोले तो फिर उसके बाद आपने रीजनरेट कर लेने दो तीन बार ताकि आपको ये सही प्रॉम्प्ट दे सकें। ऑफ विद AI लिख कर हम करेंगे, तो ये देखें इन्होंने ये बताया है। तो हम फिर से रीजनरेट करेंगे, तो इसके बाद ये देखिए इन्होंने ये कर दिया है, लिख दिया है प्रॉम्प्ट। तो ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद पेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर लियोनार्डो डॉट AI पर आ जाएंगे इमेज जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें ये कहाँ गए, हम यहाँ पर लिख देते हैं लियोनार्डो लिख देते हैं और यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, साइन वाइट लिस्टेड पर क्लिक करें और यहाँ पर हम आ जाएंगे यस AI इमेज जनरेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर बहुत सारी इमेज जनरेट कर सकते हैं आप, ये देखें। उसके यहाँ पर ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दिया इसे, ये देखें। यहाँ पर आप इमेज जनरेशन ये देखें, ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ये देखें ये साइड वाला कितना अच्छी इमेज है, जैसे मैंने सेव कर ली नहीं यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड वन के लिए मैंने ये कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जनरेट पर क्लिक कर दिया, ये देखिए हमने जनरेट कर लिया और यहाँ पर थोड़ा टाइम देंगे, ये देखें ये मुझे इनकी भी अच्छी लगी, ये वाली रीजनरेट कर देंगे बिकॉज इनमें से दोनों में से कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने रीजनरेट कर दिया। तो ये देखिए ये रीजनरेट होकर है, तो इसको मैंने मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसे सेव कर दिया। तो इसके बाद सेव करने के बाद हम ये जनरेट कर लिए, उसके बाद हम आ जाते हैं कैनवा पर, यहाँ पर हम जनरेट कर देंगे, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड कर देंगे, पहले बैकग्राउंड रिमूवर पर जाकर इसे रिमूव कर देंगे बैकग्राउंड, ओके। उसके बाद इसके लिए हम पिक विश पर जाएंगे बिकॉज सेकेंड वाले का सही नहीं हो रहा था वहाँ से। तो यहाँ पर आकर आपको अकाउंट बना लेना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इनको जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर इसे थोड़ा इफेक्ट्स लगाने, मैं आपको बताऊँगी कैसे इफेक्ट्स लगाने। उसके ये कोट्स ऐड करने हैं, ये देखें ये ऐसे नहीं, सारे एक साथ ही मुझे लगता है ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हम सारे एक साथ ही ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पर सारे एक साथ ऐड कर दिए, यहाँ पर हम करेंगे इससे लाइक थोड़ा इसकी जो वर्ड्स हैं ना उन्हें चेंज कर देंगे, वर्ड का कलर, तो इस पर थोड़ी सी एनिमेशन लगानी है आपको, कोई भी लगा सकते हैं, मैंने ये वाली लगाई है। तो यहाँ पर इसके वर्ड का कलर चेंज कर देंगे ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जिसके हैं तो वो उसके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया नाम, और यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको सही करना है, वाइट करना है, ऐसे थोड़ा ऐसे कर दें, इफेक्ट लगा देंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, कॉपी कर देंगे ये पूरा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर play.hc पर आ जाते हैं वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट AI वॉइस ओवर फॉर फ्री,
साइन अप विद गूगल कर देंगे हम इसे। अपना कोई भी गूगल अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जैसे गूगल अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्रिएट ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूज़ अल्ट्रा रियलिस्टिक वॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट कर देना है। आप कोई भी वॉइस चाहें, जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए यही रखी बिकॉज मुझे ये सही लग रही है। तो इसके बाद आपको प्ले पर क्लिक करके सारी जनरेट कर देना है। ये देखें, आपको प्ले पर क्लिक करना है ताकि सारी जनरेट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर हमने प्ले पर क्लिक करना है ताकि सारे जनरेट हो जाएं। ये देखें, उसके जैसे ही जनरेट हो जाएं, जैसे ही सारे जनरेट हो जाएं, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में आपको बताऊँगी कैसे करना है। इसे सिंगल फाइल में ही एक्सपोर्ट करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं इसे एक्सपोर्ट। ये बस दो रह गए हैं और सारे हो गए हैं, सारे जनरेट हो गए हैं, बस सिर्फ ये दो रह गए हैं और आई थिंक ये भी जनरेट हो गया और ये रह गया है बस। तो जैसे ये जनरेट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, ये सारे अगर आप चाहें तो वॉइस ओवर भी चेंज कर सकते हैं हर पैराग्राफ की, पर ये देखें ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा टाइम दे रहा है बिकॉज लाइक आई थिंक जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एज ए सिंगल फाइल ऑडियो कर देंगे। उसके बाद हम वॉइस ओवर पर यहाँ पर आ जाते हैं, कैप यहाँ पर हम वीडियो एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर इसे एडिट कर लेते हैं। ये देखिए, इससे थोड़ा लाइक एडिट करके हमने वॉइस ओवर को, वॉइस ओवर के बीच में जो गैप थे उन्हें हमने हटा दिए हैं, ज़्यादा जो ज़्यादा बड़े बड़े गैप थे उन्हें हटा दिए हैं। तो यहाँ पर हम सबको एक साथ ला लेंगे, सबको एक साथ मर्ज कर देंगे। ये देखें, इसे भी हटा देंगे, इधर ले आएंगे, इसे भी हटा कर इधर, ओके। सारा ये करने के बाद हम इसे भी हटा कर इधर ले आएंगे, तो इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर सेकंड पेस्ट कर देंगे, ओके। जैसे ये हो जाए तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देना है, ओके। ये देखें, ये सही हो गया, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Winston Churchill. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।